हरियाणा के बाद राजस्थान की राजनीति में जेजेपी ने लगाया मास्टर स्ट्रोक। भारत नवनिर्माण पार्टी का जेजेपी में विलय। दुष्यंत चौटाला बोले, प्रदेश में बदलाव के लिए नए नए साथी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जननायक जनता पार्टी को राजस्थान में कामयाबी मिली है। बीते शनिवार को जयपुर में जेजेपी की नीतियों में विश्वास जताते हुए भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जाखड़, राष्ट्रीय सलाहकार राजेश शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राज और अन्य नेताओं ने अपने संगठन के साथ साथ अपनी पार्टी को जेजेपी में विलय करने की घोषणा की। लिहाजा हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का पार्टी में पटका पहनाकर उन्हें विश्वास दिलाया कि पार्टी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बदलाव के लिए निरंतर नए नए साथी पार्टी से जुड़ रहे हैं और राजस्थान में जेजेपी को मजबूती मिल रही है। भारत नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल जाखड़ ने कहा कि वे जेजेपी की नीतियों और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर जेजेपी में शामिल हुए हैं। उनकी ओर से किसानों के हित में उठाए जा रहे ऐतिहासिक कदमों से वे खासा प्रभावित हुए हैं। वे अब राजस्थान में जेजेपी की मजबूती के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे चौधरी देवीलाल को अपना आदर्श मानते हैं। जेजेपी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से पूर्व विधायक स्वर्गीय रामधन चौधरी के पुत्र रामनारायण सहरण, हरिराम कड़वासरा आदि शामिल हैं। इसके अलावा भी पहले कई नेता पार्टी से जुड़े हैं, जिनमें पूर्व विधायक मनीराम सियाग, पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह भी शामिल हैं। अब कुल मिलाकर देखना ये होगा कि राजस्थान की राजनीति में जेजेपी और भाजपा के गठबंधन को लेकर लगातार कयासबाजी चल रही थी। हालांकि दो सीटों पर जो है आमने सामने उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस बार का राजस्थान का चुनाव खासा अहम होना है, क्योंकि इस चुनाव के ठीक बाद जो है लोकसभा चुनाव होना है और वैसे भी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर जो है अगला पूरा साल जो है चुनाव को लेकर खासा अहम रहने वाला है और इस साल का आखिरी महीना है जो राजस्थान की राजनीति में खासा अहम रहने वाला। अब ये देखने वाली बात होगी कि जेजेपी राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर कर पाती है। ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसार क्रांति न्यूज़।